लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ड यील्ड स्पोर्ट वर्सेस फॉरवर्ड यील्ड की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम नंबर 4। इन प्रॉब्लम 4 यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन डाटा फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फेस वैल्यू इज 1 लाख फॉर ईच सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट इज 0%, 10.5%, 11%, 11.5%। इट मीन्स आपको 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी है और उन सबकी मेच्योरिटी है 1, 2, 3 एंड 4 ईयर विद डिफरेंट मेच्योरिटीज और उनके करंट प्राइसिस आपको दिए हैं। सो कैलकुलेट सपोर्ट एंड फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स। तो पहले अब आपको हर बॉन्ड की जो डिफरेंट मेच्योरिटी है उसकी हम YKM कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम है सपोर्ट यील्ड। फिर उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड यील्ड, यील्ड की जानसो काल जो इंटरेस्ट रेट। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपको दे रखी है डिफरेंट। तो पहले देखें 1 ईयर सिक्योरिटी। तो 1 ईयर सिक्योरिटी की जो रिटर्न आएगी वो आपकी सपोर्ट यील्ड मानी जाएगी। उसमें देखो आपको फेस वैल्यू भी है, इसका इंटरेस्ट रेट 0% है। तो जिस जो टूडे 0 टाइम पीरियड उसका करंट प्राइस आपको दिया है P0 91,000 और इसमें कोई कूपन इंटरेस्ट नहीं है, लाइफ है इसकी 1 ईयर। तो इट मीन्स ये रिडीम हो जाएगा फेस वैल्यू के ऊपर विच इज 1 लाख। उसकी रिटर्न कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है, इसमें आप रिटर्न ऐड कर को 1 साल की या इसकी निकाल लो प्राइजिंग वैल्यू एक ही बात है। तो इफ़ यू टेक 91,000 पर के प्राइस, उसमें आपने ऐड की रिटर्न, इसको हम कहते हैं YKM या सपोर्ट यील्ड 0 to 1 ईयर। तो आप लिख सकते हैं YKM 0 to 1 ईयर पावर 1 रहेगी इज इक्वल टू रिटेंशन वैल्यू। तो उसको सोल्व करके आपकी YKM आ जाएगी किसी के YKM फॉर 0 to 1 तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 91,000 माइनस 1 1 के आखिर उगे माइनस हो जाएगा। इट मीन्स यू गेट 1 प्लस YKM तो 0 to 1 इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 91,000। सो यू कैन सी जिस वैल्यू के 1 लाख डिवाइडेड बाई 91,000 इज कमिंग 1.0989। उसमें से कीजिए माइनस 1 तो ये रह जाएगा 0.09, तो आपकी YKM आ गई 9.89% किसी फॉर 1 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सेकंड जब देखते हैं जो 2 ईयर की सिक्योरिटी है, तो कैन वी हैव 2 ईयर सिक्योरिटी। उसका एक आपको टाइम ग्राफ बना देते हैं, उसमें आपको मेंशन किया है करंट प्राइस है 99,000 जीरो पीरियड में, प्राइस इज गिवन 99,000। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट रेट है आपका 10.5% एंड जिसे 10.5% सिक्योरिटी और इसकी जो लाइफ है जिसे 2 ईयर्स एंड रिडेम्पशन इज आल्सो इक्वल टू फेस वैल्यू विच इज 1 लाख। इसमें आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसकी YKM निकालने के लिए आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ टेबल, सो ईयर 1 एंड 2 वट इज फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो आपकी फेस वैल्यू है 1 लाख, उसके ऊपर आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट 10,500 फर्स्ट ईयर आल्सो, सेकेंड ईयर में भी मिलेगा 10,500 इंटरेस्ट प्लस मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू 1 लाख। तो कोकल इनफ्लो की 1,10,500 उसकी प्राइजिंग वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इट शुड भी इक्वल टू 99,000। तो ये देखो इंटरेस्ट आपका 10.5 है, लेटेस्ट रही पी वी फैक्टर है 11%। पी वी फैक्टर फॉर 1 एंड 2 ईयर्स जिसे 0.909 and 0.812 सो 10,500 into 0.901 and 10,500 into 0.812 तो टोटल इज कमिंग 99,187 राउंड ऑफ करके हमने हमें चाहिए 99,000 लेकिन जो स्टिल हायर को उसको रिड्यूस करने के लिए अप्लाई करके हैं पी वी फैक्टर 12%।
वन डिवाइडेड बाई 1.12, 1.893 एंड 0.797, देन मल्टीप्लाई 10,500 इंटू 0.893, सो 110,500 इंटू 0.797, सो टोटल वैल्यू 97,445। अब आप इंटरप्ले कर सकते हैं, उससे YTM आ जाएगी आपकी 2 साल की, जिसे कॉल दो YTM फ्रॉम 0 to 2 ईयर। तो जो YTM होती है डिफरेंट मेच्योरिटीज की, उसका नाम था सपोर्ट यील्ड। तो ये हमारे सपोर्ट रेट आ जाएंगे, जिसे आंसू कहा गया सपोर्ट रेट्स। जिसे फॉर 1 ईयर, तो यहाँ से आ जाएगा सेकंड ईयर का, देखो लो रेट है आपका 11%, प्राइजिंग वैल्यू है लो रेट 99,187। आपने इक्वल करना है प्राइजिंग वैल्यू 99,000 के, नीचे लेंगे इन दोनों का डिफरेंस, विच इज 1742 एंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%। जिसे जो पर 187 डिवाइडेड बाय 1742, तो जिसे कमिंग 11.107%। तो इट मीन्स अब आपकी YTM आ गई है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं 0 to 2 ईयर, जिसे जो 11.107%, विच इज स्पोर्ट ईयर फॉर 2 ईयर्स। फिर आपको दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर 3 ईयर मेच्योरिटी, तो उससे आपकी YTM आ जाएगी 3 साल की। नेक्स्ट लेटर से 3 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका एक आपको डेटा मेंशन किया है, 0 भी रखेंगे, आपका परचेज प्राइस दिया है P0, तो जिसे गिवन को भी 99,500, और उसका जो कूपन रेट है 11%, तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लाइफ इज 3 ईयर, रिडेम्पशन आपकी सेम है, फेस वैल्यू 1 लाख। उसकी भी आप YTM कैलकुलेट कीजिए सिंपल वे में, टेबल ड्रॉ करके। तो 3 साल का केस है, तो ईयर अब कैश जो एनुअल इंटरेस्ट है हमारा, एनुअल कैश इनफ्लो, उसको मैं कंबाइंड ले रहा हूँ 1 to 3 ईयर, और थर्ड ईयर में हम ले रहे हैं रिडेम्पशन वैल्यू, बाकी कैश इनफ्लो इन रुपीज 11% आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11,000। लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू, पर के प्राइस आपका स्लाइटली लेस है, सो लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर। यदि आप लिखें 11% के ऊपर, उसकी जो वैल्यू है, देखो 11% इंटरेस्ट मिल रहा है, 11% पर ही हम डिस्काउंट करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो आएगी टोटल सेम ही आ जाएगी, जैसे 1 लाख रुपीज, हमें इक्वल करना है 99,500 के। तो रिड्यूस करने के लिए इसको स्लाइटली इंक्रीज करके पी वी फैक्टर एट 12%, तो 3 साल का एन वी पी फैक्टर और ये सिंगल फैक्टर, क्योंकि 0.712 एंड फॉर 3 ईयर क्योंकि 2.402, सो टोटल वैल्यू इज 11,000 टाइम्स 2.402, सो प्लस 71,200, टोटल 97,622। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, तो उससे आपकी YTM आ जाएगी और 0 to 3 ईयर, सो लो रेट 11%, जिसके बेस पर वैल्यू है आपकी 1 लाख, और आपने इक्वल करनी है 99,500 के। नीचे दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, तो जिसे 2378 एंड डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, तो जिस वन की कमिंग 500 डिवाइडेड बाई 2378, सो 11.21% इज अवर YTM। तो जिसे YTM फॉर 0 to 3 ईयर, सो 11.21%, ये हमारी स्पोर्ट ईयर आ गई है डिफरेंट टाइम पीरियड्स की। फिर आपको दिए 4 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उससे YTM आ जाएगी 4 ईयर्स की, तो लेट अस सी नेक्स्ट की जो फोर्थ 4 ईयर सिक्योरिटी, तो नेक्स्ट है 4 ईयर की सिक्योरिटी, फोर्थ ईयर सिक्योरिटी, तो उसकी भी आपको डेटा दिया है 11.5% कूपन रेट है, तो उसका करंट परचेज प्राइस है 99,900, लाइफ इज अवर 4 ईयर्स, रिडेम्पशन इज सेम 1 लाख।
लेटेस्ट आर वाई क्यूम कैलकुलेट करके टेबल ड्रॉ कीजिए आप सेम मेथड। तो ईयर 1 to 4 एंड 4th ईयर, बाकी कैश इन फ्लो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11.5% ऑन फेस वैल्यू 11,500, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। सो पीवी फैक्टर अप्लाई करके देखो, ये कि आप कूपन देख कर ही अप्लाई करोगे 11.5 पर, तो उसकी वैल्यू तो सेम आ जाएगी, क्योंकि जब आपको जितना इंटरेस्ट मिल रहा है और उसी रेट पर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके हो, तो वैल्यू सेम आएगी, टोटल वैल्यू इज फेस वैल्यू एग्जैक्टली 1 लाख। पर हमें इसको इक्वल करना है 99,900 के, स्लाइटली रिड्यूस करना है, तो लेटेस्ट अप्लाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो 12% पर आपको फैक्टर चाहिए 4 ईयर्स, जिसे 0.636 एंड 4 ईयर का फैक्टर है 3.0373। बाकी टोटल वैल्यू 3.0373 टाइम्स 11,500 प्लस 63,600, दिस इज कमिंग 98, सो 529। तो इसमें आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, जिस इज वाई टी एम फ्रॉम 0 to 4 ईयर, सो लो रेट इज 11.5 और उसके वैसे वैल्यू है आपकी 1 लाख, और पर के प्राइस है आपका 99,900। डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस, जिसे जो 1,471, और डिफरेंस है रेट में आपका है 0.5%, सो जिसे जो 100 × 0.5, सो डिवाइडेड बाय अवर 1,471, जिसे कमिंग 11.534, जिसे अवर स्पॉट यील्ड फॉर 4 ईयर, विच इज कॉल्ड वाई टी एम फॉर 0 to 4, उसको भी मेंशन कर रहे थे 0 to 4, 11.534%। अब इसके बेस पर आपको कैलकुलेट करनी है 4Y यील्ड, तो लेके से गैटमन अब आप एक टाइम से ड्रॉ कीजिए, अब हम डिटर्मिन कर रहे हैं 4Y यील्ड, तो आप टाइम से ड्रॉ कीजिए 0 ईयर, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो आपके पास सपोर्ट ये है देखो 1 ईयर की, तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं आपको सपोर्ट रेट्स, सपोर्ट इंटरेस्ट रेट्स भी कह सकते हैं, सपोर्ट यील्ड भी आप कह सकते हैं। तो 1 ईयर की है देखो 9.89 एंड फॉर 2 ईयर्स 11.107 परसेंटेज में 11.21%, 11.534%, और जो फॉरवर्ड यील्ड होती है आपके इन बिटवीन 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर एंड 3 to 4, तो राइट फॉरवर्ड टेबल बना लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगी प्रेजेंटेशन। ये हम ले रहे हैं ईयर, फर्स्ट ईयर, बाकी जो अवर है वो फॉरवर्ड यील्ड, देखो फर्स्ट ईयर की तो स्पॉट रेट भी यही है, फॉरवर्ड भी यही रहेगा आपका 9.89%। अब लेते हैं सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की कैलकुलेट करनी है हमने, इट मीन्स 1 से 2 की, तो उसका फॉर्मूला है 0 से 1 की जो रिटर्न है, तो इट मीन्स 1.0989, उसमें आपने ऐड की रिटर्न सेकेंड ईयर 1 से 2 की, जैसे 1 + R 1 to 2, इट शुड बी इक्वल टू रिटर्न फॉर 2 ईयर्स, यह है 11.107, 1.11107 फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। देखो ये 1 साल की रिटर्न है 0 से 1, ये 1 से 2 की है, ये भी 1 ईयर, टोटल बन गए 2 साल। अब आपके R1 कैलकुलेट हो जाएगी, तो इसका नाम था 4.8021, फिर आ जाएगी आपकी 1 से 2 की 4.8, तो इसको मल्टीप्लाई करिए स्क्वायर डिवाइडेड बाई जिस 1.11107 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.0989 माइनस कर गो 1, 12.34%। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर, तो
आप डायरेक्ट फार्मूला ही बना सकते हैं। वो R13 का फार्मूला यू क्या बनेगा, R23। अब आपको निकालनी है sec2 3 की। तो पहले रिक्वायरमेंट दो 0 से 3 की, 3 साल की, जैसे 1.1121 3, इसको डिवाइड कर दो रिक्वायरमेंट फॉर 2 ईयर्स 11.107, 1.11107 फॉर 2 ईयर माइनस कर दो 1। तो मीन्स अब हम लेंगे यहाँ पे रिटर्न, ये है 2 साल की, ये 1 साल की हो जाएगी, ये 3 साल की, तो 3 साल वाली डिवाइड हो जाएगी 2 साल से। लेट अस सी वकील फॉर वाली रिटर्न फॉर सेकंड टू थर्ड ईयर। सो जिसे 1.1121 इसका कर दो क्यूब, तो डिवाइडेड बाई 1.11107 माइनस 1, 11.42%, जिसे R23 11.42%, राउंड की फिगर है, 416 आ रहा है, 42 कर गए हम। देन वी हैव अ फोर्थ ईयर, तो उसका फॉर्म है 3 to 4 ईयर, ये आपकी फोर्वा की रिकरण है फ्रॉम 3 to 4 ईयर। अब आपको लेनी है 4 साल की एवरेज रिकरण, 1.11534 3 to 4, इसको डिवाइड करो 3 साल की रिकरण से, 1.11214 3 ईयर माइनस 1। सो दिस विल बी फॉरवर्ड रिकरेंट फॉर 3 to 4। सो 1.11534 फोर टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1.1121 माइनस 1, सो किसी कमी 12.51%। इस तरीके से आपकी फॉरवर्ड यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आप पहले समझ लीजिए ध्यान से, यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 5, नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है द प्राइस ऑफ ए बॉन्ड जस्ट बिफोर ए ईयर ऑफ मेच्योरिटी एक डॉलर 5 हो गए। तो एक बॉन्ड है तो इसकी मेच्योरिटी है 1 साल के बाद, तो आज इसका जो प्राइस है आपको 0 की रेंज में, वो आपको डॉलर्स में दिया है, जिसे गिव 5000। इस रिडेम्पशन वैल्यू के डॉलर 5 to 5 0, रिडेम्पशन वैल्यू भी है आपको डॉलर्स में 5 to 5 0। इसमें ये आपका है परचेज प्राइस आज की डेट में। सो एग्री एंड इंटरेस्ट के डॉलर 350 पर है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें आफ्टर 1 ईयर डॉलर 350। इतनी टोटल आपको वैल्यू मिलेगी रिडेम्पशन प्लस इंटरेस्ट को कंबाइन करके डॉलर्स में, किसी कमिंग 5600 डॉलर। सो डॉलर अप्रिशिएट्स बाय 2% ड्यूरिंग द सेट पीरियड। अब डॉलर की वैल्यू राइज हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है, पर हमें एक्सचेंज रेट मेंशन नहीं किया है। सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिकरेंट, तो रिकरेंट को परसेंटेज में होती है, तो आप जो मर्जी ले लेते हैं, लेट सपोर्ट रेट, सपोर्ट रेट ऑफ डॉलर, जैसे यदि आप आज की डेट में लेते हैं डॉलर का जो रेट है रुपीज सपोज 100, तो बट विल बी आफ्टर 1 ईयर, या आफ्टर 1 ईयर आ जाएगा आपका, जिसे कहा फोर बार रेट आफ्टर 1 ईयर रुपीज 102। अब डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है 2%, तो इसमें 2% ऐड कर दो 102 बन जाएगी। अब आप रिकरन कैलकुलेट कर सकती हैं, रिकरन मीन्स ईल्ड पर एनम। तो फार्मूला है रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी 1 साल के बाद प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, माइनस कर दो परचेज प्राइस, उसकी परसेंटेज निकाल दो परचेज प्राइस के लिए 200। जब एक ही साल होता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिडेम्पशन प्लस इंटरेस्ट देखो आपको मिल जाए डॉलर 5600 का, पर उसकी वैल्यू है रुपीज में 102, परचेज प्राइस है आपका डॉलर 5000, पर आज आपका रेट है रुपीज 100, जिसे 102, राइट। ये रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इंटरेस्ट आ गया, ये पर के प्राइस हो गया रुपीज में, डिवाइड कर दो रुपीज में जो प्राइस है आपका 5000 इंटू कर दीजिए 100, तो दिस विल बी रिकरन पर एनम। तो टोटल ये 5600 इंटू 102 माइनस ये आपने 5 लाख, दिस इज 71200 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, किसी कमी 14.24%, ये आपकी रिटर्न आ जाएगी पर एनम 1 साल की। तो गुड क्वेश्चन है, डॉलर्स में है, बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज फार्मूला ही सिंपल।
जैसे नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें ये आपको मेंशन किया है, एबीसी लिमिटेड इशू 9% बॉन्ड और रुपए 1,000 हैविंग ए मेच्योरिटी ऑफ 3 ईयर्स। आपको बॉन्ड जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं 9% बॉन्ड ऑफ रुपीज 1,000, तो इतने स्पेस है जो 1,000 है, और इसकी जो मेच्योरिटी है वो है 3 साल के बाद, लाइफ की 3 ईयर्स है। द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% फॉर 1 ईयर टेन्योर, तो 1 साल का जो रेट है वो आपको दे रखा है, इसको क्या मार्केट रेट, मार्केट का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट से 1 ईयर का आपको लिया है, जिसे जो अवर 12%। एक ही एक्सपेक्टिव क्या टू फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर टेन्योर इज गोइंग टू फॉल बाय 75 बेसिस पॉइंट एंड फर्गर बाय 50 बेसिस पॉइंट फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर इन फर्गर फॉर द सेम टेन्योर। अब फॉरवर्ड रिकरिंग दी है आपको, अब आपको 1 से 2 की रिकरिंग दी है, फिर 2 से 3 की। अब वो कह रहे हैं सेकेंड ईयर में जो 12% है इसमें से ये आपका फॉल कर जाएगी फॉरवर्ड रिकरेंस 75 बेसिस पॉइंट, वो 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, इसको बीपी कहते हैं हम, 100 बेसिस पॉइंट जिसे 1%, तो इतनी 75 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.75%, तो नेक्स्ट ईयर में 0.75%, ये फॉरवर्ड रिकरेंस बता रहे हैं कि फॉल हो जाएगी, इसमें ये रह जाएगी 11.25%। और थर्ड ईयर में इट विल फर्जर फॉल बाय 50 बेसिस पॉइंट, देन इट विल भी 11.25 है सेकेंड ईयर की, माइनस कर दो 0.50, तो दिस विल भी 10.75%, तो इट मीन्स ये आपको दिए हैं फॉरवर्ड ईयर। तो दिस बॉन्ड है ये बी का वैल्यू, अब इस बॉन्ड का बी का भी लिया है, बी का बॉन्ड जिसे 1.02, तो बी का देख लेते हैं सिंपल मीनिंग, वैसे हम इक्विटी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बीटा को हम बीटा मैथमेटिकली ऐसे शो करके हैं, ये शो करके हैं कितना चेंज आ रहा है बॉन्ड किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट, तो इट इंडिकेट्स परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट वैल्यू, लेकिन परसेंटेज में नहीं गया तो आप 11 के ले सकते हैं, तो बीटा शो करेगा अब आपको कितने टाइम्स आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट वैल्यू, मीन्स मार्केट में क्या वैल्यू है और हमारी सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है, तो उनका जो रेशो बन के वो है आपका बीटा। तो लेकर से अब आपको 4/8 दी है, वट पेयर आस्किंग, क्या आस्किंग इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है बॉन्ड की और एक एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा बॉन्ड का मार्केट में, तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी बीका से डिटरमिन हो सकती है। तो लेकर से अब 4/8 है आपके पास, 12%, 11.25, 10.75, उसके बेस पे देखते हैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो आपको एक टेबल हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूरे जिसे गाल टू बी जीरो जिसे प्राइजिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर में 3 साल का डाटा है आपके पास, यू कैन शो ईयर 1, 2 एंड 3, बाकी जो कैश इनफ्लो आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा 90 रुपीज फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर लास्ट में मिलेंगे 1090, इंक्लूडिंग रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मेंशन नहीं की तो सेम मानी जाएगी इक्वल टू फेस वैल्यू। अब आपको देखना है फॉरवर्ड आपको ईल्ड दी है, फॉरवर्ड रिटर्न और ईल्ड जिसे कि 12%, 11.25, 10.75, तो उसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए पीबी फैक्टर, बाकी प्राइजिंग वैल्यू फैक्टर, जो फॉरवर्ड ईल्ड दी होती है तो हमें ईयर बाय ईयर उसकी प्राइजिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसमें 1 साल का फैक्टर लगेगा 1.12, इसमें आपका 1 साल के लिए 12% है और फिर सेकंड ईयर के लिए 11.25, 1.1125, और थर्ड ईयर के लिए पहले साल का 12%, 1.12, सेकंड ईयर का 11.25 और थर्ड ईयर का है 10.75, तो इनको सोल्व करके आपके पीवी फैक्टर्स आ जाएंगे, उनसे मल्टीप्लाई करके हैं कैश इनफ्लो को वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो लेके थी पीवी फैक्टर,
जिसे जो 0.893। अब देखो इसको डिवाइड कर दिया आपने, अब इसको फर्दर डिवाइड कर दो इस वैल्यू से, डिवाइड की बाय 1.1125, 0.803, और इस वैल्यू को फर्दर डिवाइड कर दो 1.1075 से, जिसे 0.725, तो उनको मल्टीप्लाई करके 90 टाइम्स 0.893, यानी कि 90 टाइम्स 0.803 देन 1090 टाइम्स 0.725, सो दिस टोटल वैल्यू इज कमिंग 942.89। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बोन की पूरे, विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बोन। अब आपको बीका गया है तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है, जैसे हमने देखा बीका को क्या शो कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में बीका गया है फॉर बोन वैल्यू 1.02, ये शो करके है यदि 1% चेंज आएगा मार्केट में को सिक्योरिटी में कितना चेंज आएगा। ये 1.02 है, इसका मतलब है तो भी आपकी सिक्योरिटी में जो चेंज आएगा वो आएगा 1.02%। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो वट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बोन तो। अब मार्की वैल्यू ये आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू है हमारी रियल वैल्यू, बाकी मार्की में कैसे फ्लक्चुएशन होती रहती है उसके वैसे बीका के कैबिन होता है, तो उसको बीका से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो इंट्रेंसिक वैल्यू की 942.89 इनको कर लीजिए 1.02, सो दिस विल बी अवर एक्सपेक्टेड मार्की की वैल्यू, इसको कह सकते हैं आप एक्सपेक्टेड मार्की वैल्यू ऑफ बोन। मार्किंग में कितनी वैल्यू होगी बोन की, जैसे 942.89 इनटू 1.02, दिस विल बी 961.75। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें आपको मेंशन किया है एबीसी लिमिटेड इशू 10% की बैंकर रुपी 1000 रीडीमेबल आफ्टर 5 ईयर इज करंटली ट्रेडिंग एट ₹850। तो उसमें भी आपको मेंशन दिया है कि वेंचर है एक 10% की वेंचर, जिसकी ऑफ ₹1000 रिड्यूमेबल आफ्टर 5 ईयर, इतनी से लाइफ इज 5 ईयर एंड करंटली ट्रेडिंग एट ₹850 को, आज जो उसका प्राइस है P0 जिसकी 150 एंड डिबेंचर कन्वर्टेबल इनको 50 इक्विटी शेयर बीइंग करंटली कोटिंग एट ₹17 पर शेयर। ये आपका डिबेंचर जो है जिसे कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनको 50 शेयर्स। तो ये जो शेयर है इसका जो करंट प्राइस है जिसे ₹17 पर शेयर, तो करंट प्राइस ऑफ शेयर वो भी आपको दे रखे हैं, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹17। तो उसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो देखो करंट वैल्यू कितनी है बोन के, 50 शेयर आपको मिलेंगे इनको प्राइस है उसका 17, देखिए 100 50। सो इफ यील्ड ऑन इक्विवेलेंट कंपेरेबल बोन इज 11.8%, तो इस टाइप के बोन की जो मार्केट यील्ड चल रही है वो आपको दी है, मार्केट की यील्ड गई 11.8%। सो देन कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ यील्ड ऑफ द अबव डिबेंचर फ्रॉम दिस कंपेरेबल बॉन्ड। तो आपने ये जो प्राइजिंग डिबेंचर है इसको कंपेयर करना है, ये कंपेरेबल जो मार्केट के यील्ड हैं तो उसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे उसका स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही है या कितना डिफरेंस है रिटर्न में सिक्योरिटी का विद रिस्पेक्ट टू कंपेरेबल सिक्योरिटी। तो उतनी स्प्रेड का फार्मूला बन जाएगा बटी जो कितनी आपकी करंट यील्ड कितनी है करंट वाई की एम ऑन डिबेंचर माइनस कंपेरेबल यील्ड आपकी कितनी है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। उतनी से आपको यह करना है सिर्फ वाई की एम कैलकुलेट करनी है, जो करंट डिबेंचर हमारे पास है
150 जिसका प्राइस है 10% डिबेंचर है उसको कंपेयर कर देंगे, कंपेरेबल यील्ड आपको दिया 11.8%। तो लेट अस कैलकुलेट YPM ऑफ डिबेंचर, देखो परचेज प्राइस आपको दिया है 150, इसका आप टाइम स्केल आप टेबल बना सकते हैं। टाइम स्केल है 5 ईयर का, तो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा ईयर 1 to 5 ईयर और 5th ईयर। देखो कूपन रेट था आपका 10%, तो 1,000 के ऊपर आपको मिलेगा इंटरेस्ट 10%, 100 रुपीज़ लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल करनी है 850 के, सो लेटेस्ट ट्राई पीबी फैक्टर। अब देखो 10% को कूपन दे गए हैं, 10% की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1,000 आएगी, पर हमने रिड्यूस करनी है तो लेटेस्ट ट्राई 12%, तो 12% फॉर 5 ईयर। इसी के 0.57 ये 5th ईयर का फैक्टर है और टोटल 5 साल का एनुटी फैक्टर 3.605। बाकी जो प्रेजेंट वैल्यू सो किसी जो 360.5 प्लस 567 927.5 जिसे स्टिल हायर गेन 850, इसको और रिड्यूस करके लेटेस्ट ट्राई 15%, पी वी फैक्टर है 15%। 15% फॉर 5 ईयर किसी 0.497 और एनुटी फैक्टर है आपका 3.352 प्लस 497 जिस वैल्यू है 832। तो अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं तो इससे आपकी YPM आ जाएगी। बाकी लो रिटर्न 12%, ट्रेजिंग वैल्यू एट लो रेट 927 और आपने इक्वल करना है 850 के डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन यील्ड टू वैल्यूज 95.3 एंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। तो किसी के बारे YPM जिसे 77.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 95.3 तो किसी कमी 14.44%। अब आप सप्रैक कैलकुलेट कर सकती हैं, सप्रैक मीन्स इसमें आ रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न आपको कितनी मिल रही है, आपकी जो यील्ड है 14.44 है माइनस कंपेरेबल यील्ड मार्केट में है 11.8, 14.44 माइनस 11.8 2.64% जिसी एवरेज सप्लाई। कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस किए एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन बॉन्ड स्पोर्ट वर्सेस फॉरवर्ड यील्ड। थैंक यू।